नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हार्डविन क्लासेस। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको 14 मई के इंपॉर्टेंट न्यूज़ और करंट अफेयर बताने वाला हूं, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको अपने चैनल पर डेली बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ और करंट अफेयर ला करके प्रोवाइड करता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू डेटा रिलीज्ड बाय द रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत में जितना भी जनरल रजिस्टर हुआ है, जितना भी रजिस्टर हुआ जनरल, उन सभी के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में देश में सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर हुआ है, मतलब कि सबसे ज़्यादा मृत्यु हुआ है बच्चों का किस राज्य में, उस आंकड़े के अनुसार ये पता चला है। तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। यानी कि सबसे ज़्यादा राज्य में, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश राज्य में बच्चा लोगों की मृत्यु हुआ है। अब थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या बोला जा रहा कि 2017-2018 में यहाँ पर अगर देखा जाए पूरा भारत का, तो पूरा भारत में जो है हर 1000 बच्चे पर 33 बच्चे की मृत्यु होती थी, ठीक है। और 2018 में हर 1000 बच्चे पर 32 बच्चे की यहाँ पर मृत्यु होती थी। लेकिन यहाँ जो देखिए, जो रिपोर्ट आया है किसके लिए, जो ये रिपोर्ट है मध्य प्रदेश का, ये सबसे ख़राब रिपोर्ट आया है। वो इस प्रकार से कि यहाँ पर अकेले ही अब का बात हो रहा, यहाँ पर अकेले ही अब 48 बच्चे की मृत्यु हो रही है 1000 बच्चे में। और सबसे अगर बेस्ट पे बोला जाए फ्रेंड, तो सबसे टॉप पर और सबसे बेस्ट पर यही है नागालैंड राज्य, क्योंकि नागालैंड में सिर्फ 4 बच्चे की ही मृत्यु हुई है 1000 बच्चे पे। समझ रहे, तो कितना ज़्यादा मध्य प्रदेश का कंडीशन ख़राब है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा आज का, ये देखिए न्यूज़ है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्या है, इकोनॉमिक पैकेज ऑफ 20 लाख करोड़। मतलब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज को अनाउंस किया था, आपको पता ही होगा। इसके बारे में उन्होंने क्या बताया कि जैसा कि पूरी दुनिया जो है कोविड-19 के खिलाफ लड़ रही है, भारत के प्रधानमंत्री जो है अपने देश को संबोधित कर रहे हैं। मतलब भारत के प्रधानमंत्री जो है अपने देशवासियों का हौसला नहीं तोड़ रहे हैं, बल्कि उनको और सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनका फ़र्ज़ बनता है। अब देखिए, इन्होंने इसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने क्या किया, आर्थिक पैकेज का घोषणा किया ताकि हर एक परिवार को सहायता मिल सके, हर एक परिवार सुरक्षित रह सके इस महामारी के दौरान। तो इस पर उन्होंने भूमि, श्रम, तरलता और कानून पर जोर देते हुए उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज जो किसको किसके लिए किया है, तो ये किया है उन्होंने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, मछुआरों के लिए, प्रवासी, प्रवासी मतलब वही कि जो एक राज्य में है और वो जाते हैं दूसरे राज्य में काम करने के लिए। फिर कौन है, देश के उद्योग यानी इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे किया गया है। अब इसमें क्या है ना फ्रेंड्स, इसमें ये बोला गया कि जो भी पर्सन अपना जो बिजनेस खड़ा करता है, ऐसे मान लीजिए कि जो इंसान डेली कमाता है, डेली खाता है, उस इंसान की सहायता के लिए भी ये जो है आर्थिक पैकेज उनके लिए है, ठीक है। अब देखिए थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन है क्या है कि भारत सरकार ने कोरोना वायरस संकट के बीच हिंद महासागर क्षेत्र के राष्ट्रों को सहायता प्रदान करने के लिए 10 मई को कौन सा मिशन शुरू किया। मतलब कि हिंद महासागर जो एरिया है वहाँ पर भी कोरोना वायरस से संकट को बचाने के लिए 10 मई को कौन सा मिशन शुरू किया है भारत सरकार ने, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मिशन सागर, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में क्या बताया जा रहा है, बस यही बताया जा रहा है कि 10 मई को जो है ये लॉन्च किया गया। ऐसा इसलिए, इसका उद्देश्य यही था कि कोरोना वायरस संकट के बीच हिंद महासागर राष्ट्र क्षेत्र के राष्ट्रों को सहायता प्रदान करना, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या हमारा आज का चौथा नंबर क्वेश्चन, वो ये है कि रजिस्ट्रेशन कमेटी जो आता है किसके अंडर में, तो सेंट्रल है ना, कि सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड, मतलब ये बोल रहा है कि केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकृत समिति के तहत जो है उसके अनुसार क्या बोला जा रहा है कि एंटीबायोटिक यानी फसल पर जो एंटीबायोटिक का जो यूज़ किया जाता था ताकि उसमें कीड़े ना लगे, तो उसमें से कौन सा एंटीबायोटिक का जो है उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यहाँ देखिए चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एंटीबायोटिक के उपयोग पर रोक लगा दिया गया है, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेप्सोमाइसिन और टेट्रासाइलिन जो है, टेट्रासाइक्लाइन जो है, तो इसका जो है इसका यूज़ नहीं किया जाएगा, इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है। इसके ऊपर जो पूरे पूरी से प्रतिबंध लगा दिया गया है और इसके ऊपर मीटिंग हुआ था 1 मई को ही। पांचवा नंबर हमारा क्वेश्चन है आज का, और ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्या बोला जा रहा है कि मटका राजा जो 1960 के दशक से 1990 के दशक तक प्रसिद्ध थे, उनका अभी हाल ही में 10 मई को क्या हो गया, निधन हो गया, ठीक है। तो उनका नाम क्या था,
तो उनका नाम था एक्चुअल में रतन खत्री। अब ये इनको मटका राजा क्यों बोला जाता था, तो थोड़ा ये भी समझते हैं। तो देखिए क्या बोला जा रहा, ये बोला जा रहा है कि 1960 के दशक से 1990 तक मटका किंग के रूप में सर्वोच्च शासन करने वाले रतन खत्री का निधन 9 मई को हो गया। ठीक है, 9 मई को दक्षिण मुंबई में इनका निधन हो गया। वे 88 साल के थे, मतलब कि इनको मटका किंग के रूप में इनको जो है माना जाता था। ठीक है, उन्हें क्या हुआ था, तो उन्हें देखिए ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, है ना, उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ था जिसके कारण से उनकी मृत्यु हो गई थी। मतलब जब वो ठीक हो रहे थे, खत्री को इसलिए, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये जो खत्री है, इस खत्री को इसलिए कहा जाता है राजा क्योंकि वो जो थे एक गैम्बलिंग के, एक क्या बोलता है, गैम्बलिंग मतलब क्या होता है, जुआ होता था, जुए का प्रसार करते थे, मतलब कि जुए में सबसे माहिर थे ये, जो मुंबई से लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में मटके से चिट लेने पर आधारित था। छठा नंबर क्वेश्चन है हमारा आज का कि हरी शंकर वासुदेवन, ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हो गया 10 मई को, तो वे किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे, तो वे एक इतिहासकार थे। क्या नाम है उनका, तो उनका नाम है हरी शंकर वासुदेवन, तो ये एक इतिहासकार थे, ठीक है, एक हिस्टोरियन थे। इनका हाल ही में 68 ईयर्स की उम्र में इनका निधन हो गया। इनको देखिए कि 4 मई को इनको जो है सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी और 6 मई को जब इनका टेस्ट पॉजिटिव आया तब इनको रखा गया और उसके बाद फिर इनकी मृत्यु हो गई। सातवां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि पर्यटन मंत्रालय ने 9 मई 2020 को एक टाइटल लॉन्च किया, क्या है उस टाइटल का नाम, कि देखो अपना देश वेबिनार का तालाब नदी नीला, मतलब क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, देखिए उस टाइटल यही था कि एक्सप्लोरिंग रिवर नीला, मतलब कि जो नीला जो रिवर नदी है, जो नीला नदी है उसका एक्सप्लोर करने की बात कर रहा, उसको खोजने की बात कर रहा, कहाँ पे, तो ऑफ द देखो अपना देश वेबिनार 9 मई को। तो ये पूछा जा रहा है कि रिवर नीला जो है ये किस राज्य में स्थित है, तो जो रिवर नीला है ये हमारे ऑप्शन नंबर ए केरला में स्थित है। ठीक है, रिवर नीला यानी कि नदी नीला जो है। अब देखिए मैं इसी का बात कर रहा था कि कोरोना वायरस के ऊपर जो निर्मला सीतारमण जी है उन्होंने 3 लाख करोड़ रुपए जो है बिजनेसेस के लिए, यानी कि जो छोटा मोटा जो बिजनेस है उनके लिए जो है घोषणा किया है। अब देखिए उन्होंने कल क्या क्या बताया अपने भाषण में, तो ये देखिए उन्होंने बताया कि इससे 45 लाख छोटे व्यवसायों को फ़ायदा होगा। उन्होंने ये बताया कि 45 लाख जितने भी छोटा जो भी छोटा मोटा जो बिजनेसमैन है उनको जो हेल्प मिलेगा। फिर वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक प्रोत्साहन पर इसको जो बांटा गया बहुत सारे प्रकार में। ये किस प्रकार से, तो ये देखिए इसमें क्या बोला जा रहा, और कि इसमें जो है उन्होंने 4 साल तक ये जो कार्यकाल होगा 4 साल तक होगा, मतलब कि आप जो है 4 साल तक ये ऋण ले सकते हैं। ठीक है, और इसका जो होगा स्थानागन वो 12 महीने तक का होगा। और ये जो किसके लिए, तो ये MSME के लिए भी है। MSME मतलब उसमें आते हैं जिसमें MSME में आते हैं मध्यम परिवार के लोग और छोटे परिवार के लोग जो डेली कमा करके डेली खाते हैं, तो उनके लिए ये आता है। तो वो सभी भी अपना अगर कोई छोटा मोटा बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं या फिर वो छोटा मोटा बिजनेस कमा करके कुछ खाना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये प्रावधान रखा गया है। मतलब यहाँ पर हर एक इकाइयों को देखते हुए मद्देनज़र रखा गया है। ठीक है, कि ताकि कोई छूट ना जाए। अब देखिए इसमें क्या एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्या कि अप्रैल जॉब लॉसेस हाईएस्ट अमॉन्ग यूथ सेस डेटा। एक डेटा कहता है कि अप्रैल महीना में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो नौजवान लोग हैं यानी कि हम लोग जो हैं, हम लोग का जॉब जो है लॉस हुआ है। जो देखिए जो 20 साल का उम्र का, ठीक है, 20 मतलब जो 20 साल का उम्र का, उसमें से 2.7 करोड़ से भी अधिक युवाओं ने अपना नौकरी खो दिया है। और जो 30 साल के लोग हैं उन्होंने 3.3 करोड़ लोगों ने काम किया है। मैं समझ रहे कितना नुकसान। अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड द इंडिजियस। अब यहाँ देखिए इसमें से कौन सा इंस्टीट्यूट जो है खुद का यानी भारत का खुद का एक एलिसा टेस्ट बना है जिसका नाम है कोविड कवच एलिसा, होता है ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये जो है बनाया है। तो ये किसने बनाया है, तो ये बनाया है हमारा ऑप्शन नंबर सी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो कि हमारे पुणे में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब मैं आपको मिलता हूँ कल एक नए वीडियो के साथ।